हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बेलारूस कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गल्फ ऑफ गबेस को लेकर के, तो गल्फ ऑफ गबेस को अगर हम मैप में व्यू करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में एक कंट्री है ट्यूनिशिया, और ट्यूनिशिया के ईस्टर्न कोस्ट में गल्फ ऑफ गबेस जो है वो मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है। कुछ टाइम पहले एक फ्यूल शिप जो 750 टन ऑफ डीजल को लेकर के आ रहा था वो इस एरिया में, इस गल्फ के आसपास वाले रीजन में सिंक ऑफ हो गया, जिसकी वजह से ये जो गल्फ है वो न्यूज़ में रही थी। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड है आसाम स्टेट को लेकर के। अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पर आसाम में पुलिस स्टेशन, पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और फिर पुलिस कस्टडी में एक पर्सन की डेथ हो जाती है। उसी के प्रोटेस्ट में कुछ लोगों ने अटैक किया रिवर्स में पुलिस स्टेशन के ऊपर, और उसी में पुलिस ने कुछ लोगों को फिर से एक तरीके से सस्पिशन के बेसिस पर उन लोगों की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको डिमोलिश यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। तो ये जो इशू है इसको अगर हम रिलेट करें तो ऐसे इशू जो हैं वो डेमोक्रेसी में तो क्लियर नहीं होते हैं कि आपने सस्पिशन के बेसिस पर यहाँ पर पनिश कर दिया उन लोगों को कि हाँ इन्होंने अटैक किया होगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, सस्पिशन हुआ है और उसी के बेसिस पर आपने यहाँ पर रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो दिल्ली में भी इसी तरीके का इशू देखने को मिला था, जहाँ पर सीए प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में, उस एरिया को डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही थी तो वहाँ पर फिर जुडिशरी ने इंटरवीन किया था। ये बात है आसाम स्टेट की। तो आसाम से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले आप एक टर्म अच्छे से डिटेल में समझो कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हैं उनको इस तरीके से राइट डाउन किया गया। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा आर्टिकल 1 जो है उसमें हमारा इंडिया का नेम, उसकी टेरिटरी, इस सब के बारे में बताया जाता है। तो वो आर्टिकल जिनको अच्छे से डिटेल्ड वे में लिखना था, डिटेल्ड वे में उनको समझाना था, तो उन डिटेल्ड आर्टिकल्स को अलग तरीके से समझाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पार्ट में उनको ऐड किया गया, और जहाँ पर उनको अच्छे से डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया उनको बोलते हैं शेड्यूल। सबसे बात ये बात क्लियर हो गई। अब आप सभी को पता है कि हमारे प्रेजेंट टाइम में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हमारे यहाँ पर हैं 12 शेड्यूल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी 8 शेड्यूल। तो शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी आसाम से रिलेटेड। शेड्यूल नंबर 5 जो है वहाँ पर शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन करने की बात की जाती है पूरे ऑल इंडिया में, एक्सेप्शन 4 स्टेट हैं, और वो 4 स्टेट जो हैं वो आते हैं शेड्यूल 6 में। इस जो नेम है 4 स्टेट के उनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, अमे, तमी, ओके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो स्टेट हैं ये आते हैं 6 शेड्यूल में। यहाँ पर जो ट्राइबल एरिया है उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है 6 शेड्यूल के अंडर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों में ही शेड्यूल एरिया है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, 5th शेड्यूल में जो भी एरिया है ऑल इंडिया में कहीं भी जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब हैं और इनको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है शेड्यूल 5 के अंदर। शेड्यूल 5 में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको पावर दे रखी है कि जो भी शेड्यूल एरिया है उनकी बाउंड्री को डिसाइड करने का, और यहाँ पर शेड्यूल 6 में जो पावर है वो गवर्नर के पास पावर है। शेड्यूल 5 को गवर्न करने के लिए यहाँ पर हर स्टेट में एक काउंसिल होती है, ट्राइबल काउंसिल, और जो ट्राइबल काउंसिल जो है उसमें 20 मेंबर होते हैं। 20 मेंबर्स में से जो 15 मेंबर होते हैं, ये फिफ्थ शेड्यूल की हम बात करें, 15 मेंबर जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो फिफ्थ शेड्यूल में जो काउंसिल होती है वो स्टेट लेवल पर होती है। अब बात आती है 6th शेड्यूल की। 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल है उसमें 30 मेंबर होते हैं, और 30 मेंबर में 26 जो हैं उनको एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ करते हुए उनको इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो काउंसिल होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, और उसके बाद में भी उसको फर्दर रीजनल लेवल पर भी डिवाइड किया जाता है, ओके।
तो ये हमने कुछ बेसिक यहाँ पर डिफरेंस देखी। अब बात आती है कि इन एरियाज़ में अगर आपको सेंट्रल लॉज को इम्प्लीमेंट करना है या फिर अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है स्टेट के लॉज को, तो क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो फिफ्थ शेड्यूल है वहाँ पर गवर्नर के पास में पावर है कि गवर्नर जो है वो इस चीज़ को लेकर के इशू करे कि हाँ आप इस एरिया में जो भी शेड्यूल एरिया है ऑल इंडिया में वहाँ का जो गवर्नर है उस स्टेट का वो ये डिस्कस करे और ये क्लियर करे कि हाँ इस एरिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1996 में पेसा एक्ट आया, तो यहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल के अंडर जो इंडिया का एरिया है वहाँ पर पेसा एक्ट अप्लाइड है, लेकिन यहाँ पर पेसा एक्ट सिक्स शेड्यूल के अंडर पेसा एक्ट अप्लाइड नहीं है। अब यहाँ पर किसके पास पावर होती है? तो आसाम जो है, आसाम स्टेट जो है, वहाँ पर तो गवर्नर के पास पावर है सेंट्रल लॉज को अप्लाई करने की भी और स्टेट लॉज को भी अप्लाई करने की, लेकिन जो थ्री अदर स्टेट हैं वहाँ पर सेंट्रल लॉज के लिए तो पावर है प्रेसिडेंट के पास में और स्टेट लॉज के लिए पावर है किसके पास में? गवर्नर के पास में। तो ये हमने फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में कुछ डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट किया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो कल हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो पेट्रोल एंड डीजल के जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी हाई कप हैं, तो इनको कम करने की कोशिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो भी उनकी ड्यूटी है उनको कट किया है, तो फिर क्वेश्चनिंग की गई कि क्या आपने स्टेट का जो पार्ट है उसको कट किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना क्लेरिफिकेशन क्लियर किया है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कि जो भी एंटायर ड्यूटी रिडक्शन देखने को मिला है पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट का जो टैक्स है उसमें कोई भी कटिंग नहीं की गई है। जो सेंटर जो है, सेंटर के ऊपर जो बर्डन क्रिएट होगा इससे, वो कम्प्लीटली सेंटर जो है इस बर्डन को, एंटायर जो बर्डन है वो सेंटर के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जब पेट्रोल एंड डीजल के प्राइजेस हाइक हो रहे थे तो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बात रखी कि सभी स्टेट ने एक तरीके से इक्वली तरीके से जो भी टैक्सेज हैं उनको अप्लाई नहीं किया है, यही रीज़न है कि सभी जो लोगों को इक्वली जो है वो टैक्सेज की अगर हम देखें तो टैक्सेज का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा है टैक्स कट का। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो इस आर्टिकल में देखो वैसे तो दिल्ली को लेकर के इसमें शो किया गया है और इसमें बताया गया है कि अगर हम कंपैरिजन करें सेंट्रल टैक्सेस से और जो दिल्ली के जो टैक्स हैं उससे, तो यहाँ पर जो दिल्ली के जो टैक्स हैं वो 2014 से अब तक लगभग रेगुलर बने हुए हैं, उनमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं देखने को मिला। फिर आप स्टेट को किस बेसिस पर ब्लेम कर सकते हैं? और यहाँ पर सेंट्रल के टैक्सेज अगर हम देखें तो वो हाई कप ही उनमें देखने को मिला है। यहाँ कंपैरिजन भी किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 15 और फाइनेंशियल ईयर 21 के बीच में अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें तो सेंटर का जो टैक्स है वो इंक्रीज़ हुआ है जीडीपी का। पहले 0.79% यहाँ पर टैक्स लिया जाता था और अब 1.88% टैक्स है। और सेम अगर हम कंपैरिजन करें स्टेट के टैक्स कलेक्शन का तो पहले वहाँ पर कुछ डिक्लाइन ही देखने को मिला है, पहले 1.1% था अब 1.02% है। तो इसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि स्टेट जो हैं उन्होंने टैक्स ज़्यादा अप्लाई कर रखा है, इसी की वजह से जो प्राइजेज हैं वो हाइक अप हो रहे हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर जो है यहाँ पर कर्नाटका में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो नॉमिनीज़ हैं उसको लेकर के अनाउंस करने की बात की गई है। पार्टीज़ ने बोला है कि जो भी हमारे नॉमिनीज़ हैं उनको हम अनाउंस करेंगे। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में जो सिक्स स्टेट जो हैं, पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी लेकिन उसका बाइफर्केशन अब कर दिया गया है और वो यूटी में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिक्स स्टेट्स हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या करना है आपको, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से स्टेट में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर MLC की बात की गई है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है ये हम कुछ इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन की बात करता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट जो होता है वो अगर स्पेशल मेजोरिटी से अपने यहाँ पर कोई पास करे, स्पेशल मेजोरिटी से पास करे बिल को और पार्लियामेंट से अर्ज करे कि आप हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसका फॉर्मेशन कीजिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए, उसको एंड करने के लिए भी इस तरीके का बिल पास कर सकता है। ओके,
मतलब पहले कहीं पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है और स्टेट चाहता है कि उसको ख़त्म किया जाए तो भी पार्लियामेंट से ही इस तरीके का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो स्टेट को यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा और फिर जो पार्लियामेंट है वो इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन का जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करेगा और इस तरीके से उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दिया जाएगा। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर होते हैं वो किस तरीके से इलेक्ट नॉमिनेट होते हैं उसके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1/12 जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसको अपॉइंट किया जाता है, उसको जो भी उस स्टेट के ग्रेजुएट्स होते हैं उनके द्वारा, 1/12 जो होते हैं उनको टीचर्स के द्वारा, 1/6 जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, 1/3 जो होते हैं वो लोकल बॉडीज़ के द्वारा इलेक्ट होते हैं और 1/3 जो हैं वो वहाँ के जो MLA होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं। इस तरीके से जो MLC हैं वो वहाँ पर बनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये हमने बेसिक फैक्ट्स देखे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, सॉरी, 5th पेज पर ही एक आर्टिकल और रिलेटेड है, संगीत कला निधि अवार्ड जो कोविड की वजह से लास्ट 3 ईयर से 2 ईयर से नहीं दिए जा रहे थे तो अब लास्ट 2 ईयर के और इस साल के जो भी अवार्ड्स हैं उनको यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी बॉक्सर निखत ने जो गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसके बारे में बताया गया है कि निकट ने जो काम किया है उससे इंडियन गर्ल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगी। ओके, इसके अलावा ये भी बताया गया है कि टोक्यो ओलंपिक में जो हमारी बॉक्सिंग जो इंडिया के स्पोर्ट्स पार्ट में अगर हम देखें तो काफ़ी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है, लेकिन वहाँ पर जो मेडल कन्वर्जन है वो काफ़ी कम रहा, लेकिन अभी जो निखत ने जो मेडल दिया है कंट्री को उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा जो बॉक्सिंग की तरफ अगर हम देखें तो इस स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, देखो उस टाइम पहले आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनका फॉर्मेशन होता होगा उन कंट्री में, या बहुत सारे जो अगर हम डायरेक्ट जैसे कि ग्रेन्स हम देखें तो वीट का काफ़ी ज़्यादा वहाँ से कंजम्पशन होता था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था अदर कंट्रीज़ में, लेकिन वॉर की वजह से ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। उसके बाद में क्या होता है कि इंडिया जो है, इंडिया ने जो वीट का एक्सपोर्ट है उसके बारे में बात की कि इंडिया उन कंट्रीज़ कुछ कंट्रीज़ के साथ में उन्होंने अपने एग्रीमेंट भी किए कि उन कंट्रीज़ को इंडिया जो है वो वीट प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन इंडिया में भी कुछ इश्यू देखने को मिले कि इंडिया में हीट वेव की वजह से इस बार वीट का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम देखने को मिला। ओके, अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो लास्ट ईयर से जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, तो इंडिया ने पहले डिसाइड किया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया ने अपनी तरफ से कोशिश भी की, प्रोडक्शन कम हुआ है, इंडिया में भी आपको PDS सिस्टम के थ्रू आप लोगों को अवेल करवाते हो वीट, तो यहाँ ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम राइस के थ्रू उसको रिप्लेस करेंगे कि वीट के साथ साथ इस बार जो है वो राइट भी PDS सिस्टम में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले डिसाइड किया है कि वीट का एक्सपोर्ट जिन कंट्रीज़ के साथ में हमने डिसाइड किया था उनको तो हम वीट का एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिन कंट्रीज़ के साथ में हमने कोई भी टाई अप नहीं किया उनको हम वीट का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में एक तरीके से इंडिया को ये लग रहा है कि जो प्रोडक्शन कम हुआ है इसकी वजह से इंडिया के जो लोग हैं उनको यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडिया का ये जो डिसीजन है इसको लेकर के G7 कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया है, उनका ये मानना है कि इसकी वजह से पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ग्रेन्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होएगी और जो कंट्री है इससे ज़्यादा काफ़ी इफेक्ट होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में देखो ये बताया गया है कि इसी तरीके का सैंक्शन जो है वो इंडिया के ऊपर लगा था बासमती राइस को लेकर के, लेकिन उस टाइम अगर हम देखें तो जो भी इंडिया के ऊपर बासमती राइस को, नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को लेकर के जो बैन लगा था वो लगभग 2 साल इसको लग गए थे, 15 ईयर्स पहले इस तरीके का इशू क्रिएट हुआ था। उस टाइम थाईलैंड और वियतनाम ने इस इशू का काफ़ी ज़्यादा, ये जो भी बैन लगा था इंडिया के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा फुल एडवांटेज इसका उठाया था कि अपने यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया और अदर कंट्रीज़ पे अपना जो रिलेशन है उनको बेहतरीन किया। तो इंडिया भी प्रेजेंट टाइम में, इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया भी प्रेजेंट टाइम में जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो वॉर जैसे सिचुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ टाइम बाद में अगर नेक्स्ट मंथ हम देखें तो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से जो वीट के जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये टाइम है जब इंडिया जो है वो अपने ग्रेन्स को लेकर के अदर कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन बना सकता है और ये जो भी कंडीशन है उनको अपने फेवरेबल कर सकता है,
तो इसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर दोबारा से रीअप्लाई करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर मायोपिया आईसाइट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो हम मायोपिया को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मायोपिया। मायोपिया में ये होता है कि नियर साइटनेस, मतलब एक कॉमन विजन कंडीशन है जिसमें आप यू कैन सी ऑब्जेक्ट नियर टू यू क्लियरली, आपके पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप क्लियरली देख सकते हो, लेकिन जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको ब्लरी दिखते हैं, ये होता है मायोपिया। इसमें क्या होता है, जो आपकी आई का जो सेप है उसी की वजह से ये इशू क्रिएट होने लगता है कि जो लाइट रेज जो है वो बैंड होने लग जाती है इनकरेक्टली वेज में, और इसकी वजह से वो इमेज के ऊपर फोकस ना हो करके किस अदर एरियाज में फोकस होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो क्रिएट होने लग जाता है। अब यहाँ पर ये आर्टिकल आया है कि इंडिया में जो मायोपिया के जो इशू हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर सबसे पहले तो ग्लोबली लेवल पर यहाँ पर बताया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेशन किया है कि 2 बिलियन पीपल जो हैं वो 2010 तक मायोपिया से इफेक्टेड थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें 2010 में 1/4 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब इतने लोग जो थे इफेक्टेड थे, 2030 तक उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि 3.3 बिलियन पीपल जो है इसकी संख्या पहुंच जाएगी। ईस्ट एशिया और पैसिफिक में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस डेकेड में अगर हम देखें तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में इस तरीके का कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में इस तरीके का इशू क्रिएट हो सकता है। आप सभी को पता है इसके दो रीज़न यहाँ पर शो किए गए हैं। पहला तो कोविड के टाइम में आप सभी को पता है कि स्टडी और जो भी अदर रिलेटेड इशू, अदर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी ऑनलाइन रही, जिसकी वजह से ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ किया, और गैजेट्स का यूज़ करने की वजह से ये इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है अर्बनाइजेशन की वजह से जो भी चिल्ड्रन सिटीज़ में रहते हैं उनको वो उनकी जो प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम होती हैं, और उसकी वजह से वो अपना जो भी एक तरीके से हैप्पीनेस या फिर अगर स्टडी के अलावा जो भी अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो अगर वो देखें तो गेम्स के थ्रू, और वो जो गेम्स होते हैं वो ऑनलाइन प्ले करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो गैजेट्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ होता है और ये प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो यहाँ पर राइटर का ये मानना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करते हुए, जो भी प्रॉब्लम है कि इस इशू को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइटर ने सबसे पहले तो ये बोला है कि इंडिया जो है वो बायोडायवर्सिटी के नाम पे अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। हमारे यहाँ पर हर एरिया में वैसे अगर हम देखें तो कल्चर और ट्रेडिशन के नाम से भी इंडिया को बहुत ही डाइवर्स कंट्री मानते हैं, तो अगर बायोडायवर्सिटी के लेवल पर भी देखें तो भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। राइटर ने यहाँ पर बात बताई है कि टाइम के साथ में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी राइटर ने जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया का जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले उसको लेकर के राइटर ने एग्जांपल दिया है कि हीट वेव्स के इश्यू काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से हीट वेव्स का जो आपने रिजल्ट ना सिर्फ आप टेम्परेचर पर देख रहे हो, उसका जो अदर इफेक्ट्स है वो आप अपनी वेजिटेबल्स क्रॉप्स इन पर भी देख रहे हो, और हीट वेव्स का इफेक्ट हमने देखा ग्रेन्स के ऊपर, वीट के ऊपर, इसके अलावा मैंगोज, लेमन, इन सभी के ऊपर। मतलब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक सर्किल में एक दूसरे से जॉइंट होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से जो अदर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपकी क्रॉप भी इफ़ेक्ट होगी, आपके जो ह्यूमंस हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे, आपके जो बर्ड्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे, आपका जो लैंड है वो भी इफ़ेक्ट होगा, वाटर बॉडीज़ भी इफ़ेक्ट होंगी, हर एरिया इससे इफ़ेक्ट होगा। तो राइटर ने यहाँ पर ये बोला है कि जो हमारा जो काफ़ी ज़्यादा रिच हैबिटेट है, हमारी जो रिच ट्रेडिशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन है उनके ऊपर वर्क करें, और जो सस्टेनेबिलिटी है, जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम सॉल्व करते हुए, उनके सॉल्यूशन के ऊपर हम काम करते हुए जो भी हमारी रिच हेरिटेज है उसको हम सस्टेनेबल तरीके से रेगुलर रख सकते हैं। और इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम नेचर को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था LOC को लेकर के। ओके, तो व्हाट इज़ LOC, कल हमने समझा था। मान लो कोई पर्सन है,
ये जो LOC इसको आप सिंपल तरीके से समझिए कि कोई पर्सन बाहर जा रहा है कंट्री को छोड़ करके, तो उसको लेकर के मान लो किसी भी हमारे डिपार्टमेंट ने जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसे अर्ज किया कि इसको लेकर के, इस पर्सन को लेकर के आप LOC जारी कर दीजिए। LOC में क्या होता है कि उसको लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं कि ये जो पर्सन है इसकी विजिट बाहर नहीं हो सकती, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए हैं? इसके लगाए जाने का कारण ये है कि टाइम के साथ में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बहुत सारे जो कंट्री सिटीजन हैं वो अदर कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया, इसके अलावा विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट किया, मनी लेकर के फॉरेन चले गए। तो ऐसी तरीके के जो इशू हैं, इसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो LOC है इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टाइम टू टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसको लेकर के इशू क्रिएट हुआ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडिया के जो चेयर हैं उनको इसी तरीके से रोक लिया गया, हालांकि उनके ऊपर जो भी एलिगेशन थे वो इस तरीके को कोई एलिगेशन नहीं थे, लेकिन कुछ अदर एक्टिविटीज़ होंगी जिनके बेसिस पर ये यहाँ पर इशू देखने को मिला। कुछ अदर इश्यूज भी रहे जिसको लेकर के बाद में सीबीआई जो है उन्होंने इस तरीके का इशू उनके खिलाफ में जो है LOC जो है वो एक तरीके से जारी करवाया था, तो बाद में CBI ने माना कि गलत तरीके से कलर पॉइंट के बेसिस पर जो LOC है वो रिलीज़ हुआ है। तो ये जो LOC टर्म है वो न्यूज़ में है, और बेसिस जो है कि किन बेसिस पर ये जारी किया जाता है, क्यों क्यों किया जाता है, वो हमने डिस्कस ही कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि वॉट इज़ LOC। देखो LOC जो है, यहाँ देखिए LOC एक नोटिस होता है, कोई भी इंडिविजुअल उसको अगर पुलिस जो है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या कोई बैंक है अगर वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में को छोड़ना या हमारी कंट्री में एंट्री करना उसको रोका जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो नोटिस है वो जारी करवाया जाता है। और कहाँ कहाँ से उसको रोका जा सकता है, लैंड एरिया, एयर एरिया या फिर सी पोर्ट्स, कहीं से भी इंडिया में एंट्री कर रहा हो या फिर एग्जिस्ट कर रहा हो उन पॉइंट्स पर उनको रोका जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में 86 इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। ओके, अब ये LOC जो है उसको कौन कौन इशू कर सकता है, तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसमें CBI है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये इन सभी को ऑथराइजेशन दिया हुआ है कि आप LOC जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसमें जो ऑफिसर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर यूनियन गवर्नमेंट में जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है उसी पोस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, इससे अबो पोस्ट के जो ऑफिसर हैं वो ही LOC को इशू कर सकते हैं। अब कोई भी LOC को आपको जनरेट करना है तो इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो 2010 का जो ऑफिशियल मेमोरेंडम था मिनिस्ट्री का उसमें बताया गया था कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसके नंबर, कोर्ट केस नंबर, इसके अलावा जो भी नेम, पासपोर्ट नंबर, अदर डिटेल्स जो हैं ये सब कुछ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और BOI ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है, वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। ओके, वो जनरेट करते हैं LOC उनके। देखो ये जो BOI जो है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसके पास में बहुत सारी जो मिनिस्ट्री हैं या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं वो अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उसके बेसिस पर BOI जो है वो ये LOC जो है उनको जारी करता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। 2019 में जब बाइफर्केशन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का, तब उसके बाद में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया LOC को जारी करने के, बहुत सारे प्रोविजन और इसमें इंक्लूड कर दिए गए ताकि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारी कंट्री को छोड़ करके ना जा सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी US ट्रेड इनिशिएटिव जो है टोक्यो में जो लॉन्च करेंगे US के प्रेसिडेंट, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी अटेंड करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हो सकता है, क्वेड का जो इनिशिएटिव है वैक्सीन को लेकर के उसको डिस्कशन हो सकता है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि TPP, RCEP, ये जो भी प्रोग्राम है इन सभी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर USA की तरफ से ये बात आई है कि हम इंडिया को क्या नहीं करेंगे, सिंगल इंडिया आउट जो इशू है, तो इसके ऊपर US ने बोला है कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स के नाम पर हम इंडिया को कोई भी सैंक्शंस नहीं देखने को मिलेंगे। हम क्या कर रहे हैं,
यूएस की तरफ से ये बात है कि हम जो हैं वो कोऑपरेशन के थ्रू जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी कंट्री को यहाँ पर बायकॉट किया जाए, सभी को साथ लेकर के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, यहाँ देखिए एक सेकेंड, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो फॉरेन पेज पर है और यहाँ पर सबसे पहले इंडिया ने जो अपनी एड और असिस्टेंट जो है श्रीलंका को जो पहुँचाने की कोशिश की थी वो श्रीलंकन पोर्ट तक पहुँच चुकी है। देखो इंडिया ने जब जब इंडिया के रीजनल एरिया में, नेबरिंग एरिया में इशू क्रिएट हुए हैं, इंडिया ने वहाँ पर अपने हेल्पिंग हैंड्स जो हैं वो हमेशा आगे किए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में इशू देखने को मिले, इंडिया ने वहाँ पर भी हेल्प एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की। श्रीलंका में इशू है तो वहाँ पर इकोनॉमी लेवल पर भी और ग्रेन बेसिस पर भी हमने असिस्टेंस देने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान में आप सभी को पता है तालिबान का रूल है। तालिबान ने वहाँ पर एक अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो भी वीमेन है वो जब भी बाहर जाएंगी उनका जो फेस है वो कंप्लीट कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वीमेन टीवी प्रेजेंटर्स जो हैं उन्होंने काबुल में अपने कवर फेस के साथ में ये बात रखी कि यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि वीमेन के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर करने की बात की जानी चाहिए, ना कि उनको इस तरीके से कब करने की कोशिश की जानी चाहिए। तालिबान ने अपनी ये बात भी रखी थी कि जो भी हम चिल्ड्रन और वीमेन के जो भी राइट्स हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। अभी क्वेड की जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर के चाइना ने क्रिटिसिज्म किया है कि यूएस का जो ये इनिशिएटिव है इससे प्रॉब्लम ये है कि जो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में सब कुछ पीस एंड स्टेबिलिटी इजीली रह सकती है उसमें यहाँ पर इंटरवीन करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।